सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मैं आपका हूँ साजिद खान बलोच, और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पाक देसी विलेज। तो आज उसी चैनल का नाम को सराते हुए हमने फैसला किया था कि अब ऐसी आज वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठाऊँ सिर्फ इसलिए ऐसी वीडियो बनाएंगे जहाँ हम आपको शहर में विलेज का माहौल दे सकें। चलें, भी आप मेरे आसपास आवाज़ें सुन रहे होंगे। सबसे पहले तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन दबाएंगे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ये देखें जी, ये चलें अब आपको माहौल दिखाते हैं। ये जी भाना है, यहाँ भैंस का दूध निकाला जा रहा है। ये हमारे भाई हैं, हमारे हमसाय भी हैं जाम साहब, ये देखें, और ये दूध निकाल रहे हैं। ये सामने ये सारी भैंसें, उनका काम हो रहा है। ये भाई भी बैठे हैं दूध लेने वाले, ये सारा काम कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे उनके क्या कहते हैं उनको, छोटी छोटी भैंसें कह रहे हैं, जैसे हम वो लफ्ज़ में ये कट्टे बैठे हैं जी, दो छोटे, जैसे हम आम लफ्ज़ में कहते हैं जी क्या कट्टा खोल दिया आपने, ये वो वाला। चलें अब हम आर साहब से इंटरव्यू लेंगे। यहाँ मैंने तो आके देखा है, यहाँ मोस्टली होता नहीं है ऐसा हाल दुकाने में जो सफाई वगैरह हो, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी सफाई की हुई है और एक अच्छा माहौल है सारा वन टू। और ये देखें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, यार बंदा अपने काम पे लगा हुआ है, आया अभी एक मिनट तक। मैं आपको मार साहब से जाम साहब से इंटरव्यू करवाते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ, किस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है। और एक बात तो कंफर्म है, यहाँ 100% ओरिजिनल दूध मिलता है सुबह सुबह। हम खुद भी चाय के लिए इनसे ही लेते हैं, और नाश्ते के बाद चाय का मज़ा आ जाता है। दोस्तों हमारे साथ हमारे भाई जाम अल्ताफ़ साहब हैं। अल्ताफ़ साहब उर्दू ब्लेसेस रहेगी जी, मैं तो साहब हो। अच्छा जाम साहब, माशाल्लाह तुझे था भाड़ा बनाई खड़े हो, इतना कितना अरसे तो हुई था? तो 6 साल तो है। अच्छा 6 साल तो ही है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहना वहाँ इतना सफाई का क्या इंतजाम है, तुम कीमें करें दे ताकि बंदे जो आने थोड़े दो गिन रहे मंजाम, तो मैं देता भी बहुत जंगे हो, तो कीमें कोशिश करें इतना मंजी है सफाई कीमें कर गिन दे। बस कोशिश ये लगाने की पे है, बस चल रहा फिर निज़ाम चलाई पे है। तो सर कितने बिराए हुई था काम कर रहे हो? सर दो बिराए, दो मिलाने लगे। अच्छा माशाल्लाह, तो कितना मंजी इन द्वारे ने? सारे कुल 3 जानवर है, बड़े छोटे फल। चलो दो दिन ही सारा बेचें दियो या कहीं बाहर हो दें दियो लोगों को? नहीं कहीं सेल कर रहे हैं 100 रुपए। अच्छा अपने मान वाले साहब आप ही पींदे हो? आप पी गिनने? आप पी गिनदे हो जी जी। चलो चलो माशाल्लाह। अच्छा मैं बस एक भाई गल ये पूछना चाहना मैं कीता जी, मैं हमसाए वगैरह में वो भी दूध गिन ना देन या सिर्फ फिर बाहर दे लोग नो आने को जम सए मेरे गिनन बाकी गुलगाज के या गैर दे आने। अच्छा चलो ठीक है। आशा भाषा दूजा एक गाल है कि इन खुराक देखी में बंदोबस्त करें दे, मुल के ना दे मशीन ले हुई है क्या करें दे सारी बैर तो मंगने तो क्या क्या होता जरा इन्हों को खाया मैंने? अच्छा इन्हों को कहते पे पहला नंबर टुकर खाल दलिया छिलका। अच्छा मतलब जी में बंदा दलिया खाने मंजी खा में साफ दलिया खावन वाला कहने। चलो चलो माशाल्लाह ठीक है मार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी जी। दोस्तों ये मार साहब थे, हमने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा दलिया वगैरह चारा वगैरह यहाँ से मतलब डिस्पोजिबल ले आते हैं, बना बनाया ले आते हैं, जैसे हम लोग ट्रैक्ट खाना फूड फूड पांडा से मंगवा लेते हैं, तो इन्होंने भी यही सिस्टम किया हुआ है। ये देखें मैं आपको ये फिर दिखा रहा हूँ, ये मार साहब है। और यार मैं बड़ी हिम्मत है, ये 2-3 लोग हैं, मैं जब देखता हूँ तो मुझे भी बड़ी हैरानी होती है, इतना काम ये आम बंदे की बस की बात भी नहीं है। और इतने जानवरों को पालना, फिर उनकी देखभाल करना, और फिर उनके लिए चारे का बंदोबस्त करना, फिर दूध। अब हम लोग यहाँ आधे घंटे से आए खड़े हैं और मेरा ख्याल है अभी भी इनको घंटा और लगेगा या आधा घंटा तो और मस्त लगेगा,
ये वो दूध निकालते। ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग बिल्कुल प्योर देसी माहौल का मैंने कोशिश की है कि बना सकूं, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और एक और बात, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बत कर रहे हैं और आप ऐसे मोहब्बत करते रहिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।